एक अन्य मार्ग स्थित संकल्प में वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की बैठक की। बैठक में कोरोना संक्रमण की स्थिति और लॉकडाउन की अवधि विस्तार पर निर्णय लिया गया। समीक्षा के दौरान सीएम ने कहा कि कोरोना संक्रमण की प्रतिदिन की जानकारी हम लेते हैं और उसके आधार पर स्वास्थ्य विभाग और संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया जाता है। कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए हम लोग हर जरूरी कदम उठा रहे हैं। सीएम ने कहा कि प्रतिदिन औसतन लगभग 1,27,000 जाँच की जा रही है। कोरोना संक्रमण जांच की संख्या को बढ़ाकर इसे प्रतिदिन 1,50,000 से अधिक तक ले जाना है। उन्होंने कहा कि मार्च महीने में 10 लाख की आबादी पर देश में प्रतिदिन जितनी औसतन जांच हो रही थी उसकी तुलना में बिहार में 14,000 अधिक जांच हो रही थी। सभी लोगों के टीकाकरण के लिए हम लोग सतत प्रयत्नशील हैं। उन्होंने कहा कि कोरोना से मरने वालों के आश्रितों को मुख्यमंत्री राहत कोष से 4 लाख रुपए की राशि दी जा रही है। सभी जिलाधिकारियों को कहा गया है कि कोरोना संक्रमण से जिनकी भी मृत्यु हुई है उसकी पूरी जानकारी एकत्रित कर उनके परिजनों को अनुग्रह राशि उपलब्ध कराएं। मुख्यमंत्री ने कहा कि चलन टेस्टिंग वैन की शुरुआत की गई है जिससे प्रतिदिन ग्रामीण क्षेत्रों में 1,000 जाँच होगी और इस जाँच की रिपोर्ट 24 घंटे में लोगों को मिल जाएगी। लॉकडाउन के दौरान सामूहिक किचन के माध्यम से सभी जरूरतमंद लोगों को दोनों समय भोजन उपलब्ध कराया जा रहा है। प्रत्येक प्रखंड में सामुदायिक किचन की शुरुआत की गई है। लॉकडाउन के दौरान इच्छुक लोगों को रोजगार भी उपलब्ध कराया जाएगा। सभी जिलों के प्रभारी मंत्री कोरोना संक्रमण की स्थिति और उसके बचाव के लिए किए जा रहे कार्यों की लगातार जानकारी ले रहे हैं और स्वास्थ्य विभाग को उसका फीडबैक दे रहे हैं, जिसके आधार पर विभाग हर जरूरी कदम भी उठा रहा है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछले 2 दिनों से अधिकारियों के स्तर पर सभी जिलाधिकारियों से कोरोना संक्रमण और लॉकडाउन अवधि विस्तार को लेकर जानकारी ली गई। सभी लोगों से लॉकडाउन बढ़ाने को लेकर सुझाव आए हैं। उन्होंने कहा कि लॉकडाउन के कारण कोरोना संक्रमण की दर में गिरावट आई है। पहले 3 सप्ताह तक लॉकडाउन की अवधि का विस्तार किया गया जिसका परिणाम सकारात्मक आया। सहयोगी मंत्रीगण और पदाधिकारियों के साथ स्थिति की समीक्षा के आधार पर 26 मई से 1 जून तक लॉकडाउन की अवधि का विस्तार का निर्णय लिया गया है। उन्होंने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में कोरोना संक्रमण को लेकर सभी जिलाधिकारियों को पहले से ही विशेष सतर्कता बरतने का निर्देश दिया गया है। हम लोगों ने किसी की उपेक्षा नहीं की है, सबके हित के लिए काम कर रहे हैं। आगे न्यूज 24 के लिए पटना से ब्यूरो रिपोर्ट।